मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक। आज की वीडियो में मैं आपको रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग करना बताऊंगी। देखिए, इस तरह की जो रेडीमेड कुर्ती होती है, इसमें हैवी हिप के लिए ये नाप है, जैसा कि 22 इंच हिप है इसकी, और ये 40 इंच चेस्ट के लिए कुर्ती बनाई गई है। और इसमें तीरा भी हैवी है, बाजू भी इसमें लॉन्ग है। आपको लॉन्ग रखनी है या हाफ रखनी है, आपके हिसाब से देख लीजिए। लेकिन इसकी जो फिटिंग है वो बिल्कुल मस्त आएगी। अगर आप मेरे तरीके से फिटिंग करेंगे तो आपको कच्ची सिलाई भी नहीं लगानी पड़ेगी। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना है, और सिलाई कोर्स आपको लेना है या सिलाई के पैटर्न आपको लेने हैं तो इस नंबर से कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो आइए मैं आपको इस रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग करना बता देती हूँ। पहले आप कुर्ती को उल्टा करेंगे। आप सोच रहे हैं कि इसमें हमें पहले चाक की सिलाई खोलनी पड़ेगी या फिर हमें बाजू हटानी पड़ेगी, तो इस तरह से आपको नहीं करना है। देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ, कुर्ती को उल्टा रखना है इस तरह से। ऐसे अब आपको सबसे पहले प्लेट का नाप रखना है कि प्लेट हमें कितने इंच पे रखनी है। जैसे कि मुझे 10.5 इंच पे इस कुर्ती में प्लेट रखनी है, तो यहाँ कंधे से मैं 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी इस तरह से। 10.5 इंच दोनों साइड कंधे पर से निशान लगा लूंगी मैं प्लेट के लिए। अब इस तरह से कुर्ती के बिल्कुल बीच सेंटर का निशान लगाना है। बिल्कुल बीच सेंटर का निशान इस तरह से हमें लगा लेना है कुर्ती में। और अब देखिए, यहाँ पे हमें जितनी चेस्ट रखनी है उस हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगा लेना है। जैसे कि मुझे इसमें रखनी है 35 इंच, तो मैं 9 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। 9 इंच पे फिटिंग का निशान लगाऊंगी। इस साइड भी 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। अगर थोड़ा लूज रहेगा तो हम एक पैर की सिलाई बाद में लगा लेंगे। इस तरह से आपको निशान लेना है, और यहाँ से आपको चाक की लंबाई रखनी है। जितने चाक रखने हैं उस हिसाब से निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब देखिए, हिप के लिए निशान लगाएंगे। 18.5 इंच हिप रखनी है, तो इस तरह से बीच सेंटर का जो हमने पहले निशान लगाया, इसके दोनों साइड हम हिप का निशान लगा लेंगे। जैसे कि हम कुर्ती सिलते हैं तो फिटिंग का निशान लगाते हैं सेम तरीके से इस तरह से। कमर का निशान हम इसमें बाद में लगा लेंगे। इस तरह से हिप का और चेस्ट का निशान हम कंप्लीट लगा लेंगे, और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे। चाक की लंबाई का निशान हम दोनों साइड बराबर रखेंगे। आइए मशीन पे मैं आपको सिलाई लगाना बता देती हूँ कि पहले हमें कहाँ पे सिलाई लगानी है। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं, इन निशानों को हम पक्का कर लेंगे। यहाँ तक हमने चाक की लंबाई के निशान लगाए हैं। पहले हम इस निशान पे सिलाई लगा लेंगे फिटिंग की। कंप्लीट फिटिंग बाद में कर लेंगे, लेकिन कमर की फिटिंग का हमने निशान नहीं लगाया है, हिप और चेस्ट का निशान लगाया है, तो इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई हमें नीचे से स्टार्ट करनी है, चाक की जगह से। यहाँ पे सिलाई पक्की कर देंगे। यहाँ तक थोड़ी सिलाई खाली छोड़ देंगे हम, यानी कि बाजू हम बाद में अटैच करते हैं, तो पहले हम बाजू को खोलेंगे और फिर इसकी कटिंग करके आर्म होल की, और बाद में बाजू लगाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलाई छोड़ देंगे। इसी सेम तरीके से हम दूसरी साइड सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई इस तरह से लगा लेंगे, और फिर हम बाद में यहाँ से कट लगा लेंगे दोनों साइड से। यहाँ से सिलाई को खोल लेंगे,
अगर आपको कम फिटिंग करनी है तो यहाँ से सिलाई खोलनी पड़ेगी, नहीं तो आप कट भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से सिलाई खोल ली है, अब यहाँ से कट लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब इसकी साइड हम दोबारा से मोड़ देंगे। साइड मोड़ने के लिए हमें कच्ची सिलाई नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि पहले से यहाँ पे सिलाई लगी हुई है। तो जितना आपको घेरा रखना है उस हिसाब से रख के आप इस तरह से चाक की सिलाई मोड़ सकते हैं। ऐसे मोड़ेंगे और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेंगे और बाद में इस पर हम तुरपाई कर लेंगे। सेम तरीके से आप दूसरी साइड के चाक मोड़ेंगे। ऐसे मोड़ना है पहले, फिर इसको ऐसे मोड़ देना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। देखिए मैंने इस तरह से फिटिंग करके और इस कुर्ती के चाक मोड़ दिए हैं। अब इन पे तुरपाई कंप्लीट कर लेंगे और फिर कच्ची सिलाई को हटा देंगे। अब देखिए हमें यहाँ से बाजू हटा लेनी है। बाजू में जो सिलाई लगी हुई है इसको हटा लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों बाजू हटा ली है। अब इसका आर्म होल कटिंग कर लेंगे, यानी कि आर्म होल देखिए आगे का और पीछे का बराबर कटिंग किया हुआ है। तो हम अपने हिसाब से आर्म होल कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। इसका जितना आपको तीरा रखना है उस हिसाब से रखिए। और देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे खुली छोड़ दी है सिलाई फिटिंग की, तो यहाँ से हमें जितना तीरा रखना है उस हिसाब से निशान लगाएंगे और इस तरह से आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। पहले हम एक साइड कटिंग करेंगे इस तरह से। फिर हम आगे की कटिंग कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से, जो फ्रंट आर्म होल को डाउन करते हैं इस तरह से। अब देखिए इस कपड़े को यहाँ पे रखेंगे दूसरी साइड। इस तरह से और यहाँ पे निशान लगा लेंगे कटिंग करने के लिए इस तरह से। यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे कंधे की जो सिलाई है इसको पक्की कर लेंगे। अब हमें जितनी बाजू रखनी है उस हिसाब से अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। दोनों बाजुओं को खोल के इस तरह से आमने सामने रख लेंगे और जितनी आपको बाजू की लेंथ चाहिए यहाँ से ऊपर से कटिंग कर देंगे। अगर आपकी बाजू पे इस तरह का बॉर्डर नहीं है तो आप आगे से भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन बाजू पे डिजाइन होने के कारण मैं ऊपर से बाजू कटिंग कर रही हूँ। इस तरह से बाजू को खोल लेंगे यहाँ से और फ्रंट आर्म होल को डाउन कर देंगे। अब आप अपनी कुर्ती में बाजू लगा सकते हैं। बाजू का आर्म होल अगर आपको कम दिख रहा है तो ये जो कपड़ा निकला है साइड से इसको हम यहाँ पे जोड़ लेंगे। इस तरह से मैंने बाजू के आर्म होल में जोड़ लगा लिया है। अगर बाजू का आर्म होल कम पड़ता है तो इस तरह से आप भी जोड़ लगा सकते हैं।
अब यहाँ बीच सेंटर से हम बाजू को अटैच करना स्टार्ट करेंगे और दोनों साइड से बाजू लगा देंगे। देखिए इस तरह से मैंने रेडीमेड कुर्ती की दोनों बाजू अटैच कर दी है। अब हम बाजू की फिटिंग कर लेंगे। आपको जितनी कमर रखनी है उस हिसाब से आप कमर की फिटिंग कर लीजिए। मुझे इसमें कमर लूज ही रखनी है तो इसी नाप पे रखूँगी। और यहाँ पे जो फिटिंग की सिलाई हमने छोड़ दी थी यहीं से स्टार्ट करेंगे सिलाई और यहाँ बाजू तक सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। आप भी अपनी रेडीमेड कुर्ती में इसी तरीके से बाजू लगा सकते हैं। देखिए मैंने इस तरह से रेडीमेड कुर्ती की फिटिंग कर दी है, बहुत अच्छे से फिटिंग हो गई है। तो इस तरीके से आप भी अपनी कुर्ती की फिटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और खुशी बुटीक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।